नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं और उसके बाद से ही महागठबंधन में दरार भी देखने को मिल रही है। मंथन का दौर जारी है कि आखिर हार क्यों हुई, लेकिन मंथन का दौर महागठबंधन में ही नहीं जारी है बल्कि कई ऐसी पार्टियां भी थी जो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो उन्होंने दाव खेला वो दाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा उल्टा पड़ा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज। मुकेश सहनी ने पूरी कोशिश की, भूमियार कैंडिडेट को वहाँ से उतारा, नीलाभ कुमार को, कमी कहाँ रह गई? देखिए, सबसे पहली बात है ये कि हम लोग चुनाव जीते नहीं, हारे नहीं, जीते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरफ राज्य की पूरी शक्तियाँ, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की पूरी शक्तियाँ लगा हुआ था हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी और हमारे कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पार्टी के सुप्रीमो सर नखुला मुकेश सहनी जी ने एक नया दाव वहाँ पे खेला और इतने तरीके से उन्होंने प्रचार किया, इतने तौर तरीके से वहाँ के चुनाव लड़े कि सारे पार्टियां को वहां बेवश कर दिए। और जो भी लोग वहां प्रचार करने जाते थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते या मंत्री मंत्री या सांसद, जो भी वहां पहुंचते थे वो अपने पार्टी और प्रत्याशी की प्रचार कम हमारे खिलाफ ज्यादा करते थे। तो इसके लिए हम जीत के काबिज वहां पे मानते हैं। और फर्स्ट बार में बिहार की एकमात्र पार्टी है जो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़के 10,000 जनमत लाया, 10,000 जनादेश आया। मैं इस जनादेश का भी सबसे पहले कुटनी की जनता को इस सम्मान देने के लिए मैं आभार भी प्रकट आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। आज तक बिहार में कोई भी पार्टी है जो अकेले अपने दम पे हर विधानसभा में चुनाव लड़के 10,000 बहुमत नहीं लाया है, और हमने ला के दिखा दिया, हमारी पार्टी ने ला कर दिखा दिया। ओछा में उन्होंने 30,000 लाया, यहाँ हम लोगों ने 10,000 लाया, और इस 10,000 से हमारी पार्टी सशक्त और मजबूत हुआ है। और आगामी 24 और 25 के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है कि इतने मेहनत से 10,000 लाएंगे तो और कठिनाई और मेहनत शुरू होगा। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो भूमियारों के वोट को अपने पाले में करने की कोशिश की गई उसमें आप लोग नाकामयाब रहे, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नाकामयाब नहीं रहे, सब लोग का वोट मिला, सबका सपोर्ट मिला, कुछ वोट इधर उधर हुआ भी, बार्गेनिंग किया गया जनता के साथ या जनता के झूठे अफवाहों में फंसाया गया, उन्हें वर्गलाया गया तमाम लोगों के द्वारा, हमारे विपक्षियों के द्वारा, इसके कारण इधर उधर लोग हुए हैं। लेकिन आने वाला समय में जिस प्रकार से हम लोग ने कुर्नी के चुनाव से हम मैसेज दे दिए हैं कि जिस प्रकार से हर जात, हर धर्म और हर लोग के युवा खास तौर पे नीलाभ कुमार और वीआईपी पार्टी के उद्देश्यों के साथ खड़ा था, तो आने वाला समय में आज आपके सामने कह देता हूं कि आने वाला समय युवा को होगा, और युवाओं के लिए अगर सबसे बड़ी अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी बिहार में होगा तो वो वीआईपी पार्टी होगा। ऐसा संदेश और ऐसा मैसेज हमने कुर्नी के चुनाव से दिया, हर जात हर धर्म के युवा खास तौर पे वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा। कुर्नी के नतीजे आने के बाद कोई पार्टी वहां पे गई नहीं, लेकिन मुकेश सहनी वहां लड्डू बांटने गए थे, इसके पीछे का क्या राज? इसके पीछे के ये राज नहीं है, हमारे नेता सन्नो फुला मुकेश सहनी जी जमीन पर संघर्ष करके यहाँ तक के पहुंचे हैं, अर्थ से लेकर फर्श तक की तैयारी इन्होंने जमीन पर संघर्ष करके किए हैं। तो इनको जनता का गरीबी का हालात मालूम है, जनता के बीच कैसे रहा जाता है ये मालूम है, जनता के साथ किस व्यवहार के साथ रहना चाहिए ये मालूम है। अब जो सोने के चम्मच लेके पैदा ही होंगे, जिनको राजनीति विरासत में मिलेगा, जो आज तक गरीब के पास गए ही नहीं, गरीबों के दर्द को समझे नहीं है, वो गरीबों को क्या हाल जानेंगे। तो हमने चुनाव हार के बावजूद भी जितने बड़ी सफलता हम लोगों ने पाया अकेले अपने दम पे, तो इसे आशीर्वाद लेने के लिए हमारे नेता सन्नो मुकेश सहनी जी कुटनी में जा रहे हैं। और हर जिस प्रकार से हम हर बूथ हर घर जाकर के लोगों से हाथ जोड़कर अपने पार्टी के और प्रत्याशी नीलाभ कुमार के लिए वोट मांग रहे थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लेकर जाके हम कुर्नी की जनता को आभार प्रकट करें और आभार के साथ साथ उन्हें एक मिठाई दे। अंतिम आने वाला समय हम लोग का होगा और ये जनता के ही प्रयासों से हम लोग संभव होंगे। तो अगर जनता से अगर हम लोग दूरी बना लेंगे, जनता के बीच हम लोग जाना छोड़ देंगे, तो हम लोग के लिए जो राजनीतिक होगा वो असंभव हो जाएगा। तो हम लोग जनता वाले नेता, हम लोग जमीन वाले नेता हैं, हम लोग गरीब की नेता हैं, क्योंकि गरीब का बात वही करेगा जो गरीबी में पला और बढ़ा होगा। अंतिम सवाल ये है, दो सवाल हैं। जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद मुकेश सहनी वहाँ गए, लोगों का समर्थन आपको मिलेगा ये भरोसा है? और दूसरा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होता है तो उस वक्त क्या किसी से गठबंधन भी हो सकता है, क्या स्वरूप हो सकता है? ये देखिए, अभी हमारे नेता सन्नो फुला मुकेश सहनी जिस पे तय नहीं किया कि गठबंधन किससे होगा, अभी हम लोग ने बस यही तय किया है कि हर जगह पर जाकर के, हर गांव हर बूथ तक जाकर के अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक पार्टी से नहीं जुड़ सके, उन सबको जोड़ेंगे, हम लोग हर जगह जाएंगे, कैंपेनिंग चलाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आप ये बोले कि क्या आपको जनता पे भरोसा है, अगर जनता पे भरोसा नहीं रहता और जनता को मुकेश सहनी जी पे भरोसा नहीं रहता तो आज बिहार के एकमात्र पार्टी बन गया है जो हर लोगों को पसीना छुड़ा देता है। आप देख लीजिए कुटनी में, जब जैसे ही मेरा पार्टी का प्रत्याशी ऐलान होते हैं कि तमाम लोग हमारे नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करते, वो लोग भी बोल रहे हैं जो हमारे नेता के दम पे नेता में बने हैं, उन लोग हमारे नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन लोगों की हैसियत अब
पता चल गया कि मुकेश सहनी जी की हैसियत क्या है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आगे के चुनाव के लिए लोकसभा या विधानसभा जैसा रणनीति हमारे नेता सर्वप्रथम मुकेश सहनी जी तय करेंगे किसके साथ गठबंधन में जाना है, किसी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि यह जनता के उद्देश्यों के साथ किसी के साथ गठबंधन करते हैं। अभी हम लोगों ने जनता के साथ गठबंधन किया है, जो जनता के बात मानेगा, जो वीआईपी पार्टी के उद्देश्यों के साथ करेगा, जो वीआईपी पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ जो खड़ा रहेगा, उस पर नेताजी हमारे विचार करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम लोग पार्टी को मजबूती करने पर ध्यान दिया। चलिए, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, गठबंधन किससे होगा ये तस्वीरें आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगी। लेकिन कोशिश यही है वीआईपी की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे और जो कमियां इस बार रह गई हैं उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रही है भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।